लिबरल्स आर फासिस्ट, ये नकली लिबरल, नकली सेकुलर, नकली इंटॉलरेंट लोग, इनका असली चेहरा सारी दुनिया के सामने आ रहा है। असली में हिंसक कौन है, असली में झूठा कौन है, असली में इंटॉलरेंट कौन है, असहिष्णु कौन है, ये अब सारी दुनिया देख सकती है। आरिफ मोहम्मद खान हिंदुस्तानों के मुसलमानों की वो सेंसिबल वॉइस जिसको सारे मुस्लिम यूथ सुनना चाहते हैं, जिसके पास तथ्य है, लॉजिक है, सच की ताकत है, उसको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। इरफान हबीब जैसा तथा कथित इतिहासकार, तथा कथित लिबरल हमला करता है स्टेज के ऊपर, गवर्नर साहब के ऊपर, उनका माइक छीनने की कोशिश करता है। Let these people know they can't shout me down. ये चाहते हैं कि मुसलमान यूथ किसी भी सेंसिबल वॉइस को ना सुने, ये चाहते हैं कि उनको केवल जहर 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 सुनाया जाए, क्योंकि अगर वो आरिफ मोहम्मद खान को सुनेंगे तो उन्हें सच पता लग जाएगा। मेरे को लगता है कि इन नकली इतिहासकारों का असली चेहरा हिंदुस्तान के सामने आया है, हिंदुस्तान के यूथ के सामने आया है। ये लोग चुप कराना चाहते हैं सभी सच की आवाजों को। जरा सोचिए, जिन लोगों के मन में इतना जहर भरा हुआ है, उन्होंने हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में कितना जहर घोला होगा। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं के मोहम्मद साहब का। के मोहम्मद साहब जिन्होंने राम जन्मभूमि के सत्य को दुनिया के सामने रखा, कोर्ट में असली तथ्य रखे, जिन्होंने ये बताया कि वहां पे राम मंदिर था, जिनके तथ्यों के कारण आज भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता खुला है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इरफान हबीब ने उन पर दबाव डाला झूठ बोलने का। द किंग पिन ऑफ ऑल दिस ग्रुप वाज प्रोफेसर इरफान हबीब। आई मीन ही हैड मेनी फॉल्स स्टेटमेंट्स, सो आई हैव given recorded all these things in my book source. इरफान हबीब ने उनके तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। दोस्तों, ये तो मुसलमानों को भी नहीं बोलने देना चाहते, सेंसिबल वॉइसेस को सुनना ही नहीं चाहते हैं, चुप करा देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनकी असहिष्णुता, इनकी इंटॉलरेंस, अब पूरे देश को इसके खिलाफ खुलकर बोलना होगा, और समय आ गया है कि इनके द्वारा जिन औरंगजेबों, बाबरों और अकबरों को महान बताया गया है, उस इतिहास को भी दोबारा से पढ़ा जाए, दोबारा से लिखा जाए, ठीक किया जाए, और जहर को हटा के सच्ची हिस्ट्री हिंदुस्तान को समझाई जाए। थैंक यू। जय हिंद।